एकात्म मानवतावाद और अंत्योदय के प्रेरणाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए जिले के भरोहिया विकास खंड के बाबा गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ प्रांगण में गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। गरीब कल्याण मेला में 15 विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के लगाए गए स्टालों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के स्टाल पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं जैसे कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, राशन वितरण योजना, उज्ज्वला योजना, पोषाहार वितरण, किसान सम्मान निधि योजना, सामूहिक विवाह योजना, व्यक्तिगत शौचालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा कृषि संयंत्रों से लाभान्वित 2-2 लाभार्थियों को अपने हाथों से प्रमाण पत्र वितरण के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के 2-2 लाभार्थियों को प्रतीक चाबी व प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों पर गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी परिवार में अगर कोई बीमार है तो उसके सामने आर्थिक संकट आ जाता है, हर व्यक्ति सुविधा संपन्न नहीं होता है और इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की थी। साथ ही ऐसे लोगों को जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से आच्छादित नहीं हो पाए हैं उनके लिए प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है। वे लोग किसी भी सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा का निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। कोई भी जरूरतमंद उपचार के अभाव में परेशान ना हो, जिसके लिए हर एक पीड़ित परिवार के साथ केंद्र व राज्य सरकार खड़ी है। गरीबों को स्वास्थ्य बीमा से कवर लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे गरीब उपचार के अभाव में दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत गोरखपुर में 29,460 बालिकाओं को योजना से जोड़ा गया है। भरोहिया विकास खंड में 1,061 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिला है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत गोरखपुर में 68,341 निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिसमें भरोहिया विकास खंड में 1,661 लाभार्थियों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि जितनी निराश्रित महिलाएं हैं उन्हें निराश्रित महिला पेंशन के लिए कैंप के माध्यम से फॉर्म भरवाकर जोड़ने की कार्रवाई तत्काल करें, जिससे कोई भी महिला अपने आप को असहाय महसूस ना करे। केंद्र प्रदेश सरकार उनके साथ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, उज्ज्वला योजना, पोषाहार योजना, सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लाभान्वित व्यक्ति की संख्या को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 37,451 आवास अब तक गोरखपुर में निर्मित किए जा चुके हैं। विकास खंड गुहरिया में 751 आवास अब तक निर्मित किए जा चुके हैं और नए लाभार्थियों में 9,228 का चयन होकर स्वीकृति पत्र जारी हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 61 आवास उपलब्ध कराए गए हैं। व्यक्तिगत शौचालय में गोरखपुर में 2,24,258 के सापेक्ष 6,790, विकासखंड भरोहिया में 956 के सापेक्ष 351 शौचालय निर्मित किए जा चुके हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजना देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रबंधन दुनिया में सबसे अच्छा रहा है। देश के अंदर सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में सबसे अच्छी भूमिका निभाई। कोरोना के दोनों चरणों में हर गरीब को फ्री में राशन देने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, मत्स्य बोर्ड अध्यक्ष रमाकांत निषाद, पूर्वांचल बोर्ड सदस्य विजय शंकर यादव, ब्लॉक प्रमुख सुनीता सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा जनपद के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर हेलो
जंगल कौड़िया से सरहरी जाना है कोई दिक्कत नहीं, जंगल कौड़िया से डोहरिया जाइए कोई दिक्कत नहीं। पूज्य श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का इस मंच पर इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, मुख्यमंत्री महोदय का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत मंच पर उपस्थित माननीय जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख भरोहिया से डॉक्टर सुनीता सिंह मैम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एवं मंच पर उपस्थित हमारे बीच में अध्यक्ष मध्यस्थ बोर्ड श्री रमाकांत निषाद जी का अतिथि देवो भव की परिकल्पना को सार्थक करते हुए अतिथि स्वागत के लिए सर्वप्रथम हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प कलिका के द्वारा अतिथि देवो की परिकल्पना सेवा से अनुरोध है कि मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत पुष्प कलिका के द्वारा करके हम सभी को कृतार्थ करें। ये हमारी पहचान है एवं भारतीयता की संस्कृति ही हमारी धरोहर है। अनुरोध है कि आप हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अपने उद्बोधन क्षण को अभिभूत करें और स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक सर से। आज गरीब कल्याण मेले के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक परम पूज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, जिले की पंचायत की जिला अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के संगठन के जिला अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, मत्स्य बोर्ड के चेयरमैन श्री रमाकांत निषाद जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के हमारे समस्त सम्मानित सदस्य भाई विजय शंकर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जिले के उपाध्यक्ष शेषमणि त्रिपाठी जी, भाई गंगा जायसवाल जी अध्यक्ष नगर पंचायत पीपीगंज, हमारी इस ब्लॉक की सम्मानित ब्लॉक प्रमुख एवं प्रतिनिधि दिनेश सिंह जी, गणेश दत्त त्रिपाठी जी, बलवंत यादव जी, आदरणीय मधुसूदन मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी, श्री मृत्युंजय सिंह जी, हमारे संजय सिंह जी प्रमुख प्रतिनिधि भरोहिया और हमारे परम पूज्य महंत रविन्द्र दास महाराज जी, उपस्थित सभी लाभार्थी बंधुओं, सम्मानित उपस्थित जनता, भारतीय जनता पार्टी हिंदू वाहिनी के सम्मानित हमारे कार्यकर्ता साथियों, मित्रों, आज इस विधानसभा के लिए एक नई सौगात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं गांव के आम आदमी तक भेजने का काम राज्य सरकार करती है, उस कार्य को आप तक पहुंचाने का काम मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आप तक पहुंचाने का कार्य आज पर कई वर्षों से जो लगातार चल रहा है उसे आज उसे मूर्ति रूप देने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से
उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार कर रही माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से आज हर गांव हर घर ये सम्मान निधि पहुंच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी गांव में गरीब था, जिसके सर पर छत नहीं थी, झोपड़ी खपड़े का मकान था, टूट गया था, बरसात में गिर गया, बाढ़ में गिर गया, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत करके वो भी देने का काम ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है, चाहे वो आवास हो चाहे गैस सिलेंडर हो। और जो अब पेयजल की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है गांव सभा वाई, मैं गांव गांव भ्रमण में मैंने अभी देखा, बाढ़ क्षेत्रों में भी देखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के उस आशीर्वाद को भी देखा, गांव गांव जल निगम के माध्यम से गांव को टोटी के माध्यम से प्रत्येक वर्ग को शुद्ध जल देने का काम उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आज ये तमाम योजनाएं राज्य सरकार की जो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की आज पूर्ण होते हुए दिख रही। मुख्यमंत्री महोदय की कर कमियों से गिर गए पर जय महाराज कितना हुआ 577 आज प्रमाण पत्र प्राप्त करने जा रही है। आयुष्मान योजना के तहत हमारे बीच में आज आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना की, इसके पश्चात श्रीमती प्रभा की ग्राम भरनिया से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रमाण पत्र प्राप्त। आयुष्मान गोल्डन कार्ड को प्राप्त करती हुई तत्पश्चात उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रायगढ़ अतिथगढ़ के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई श्री वाइफ ऑफ श्री दिलीप ग्राम हरपुर जंगल छजवा से, तत्पश्चात अंतर्गत श्रीमती अनीता वाइफ ऑफ श्री दीप जन ग्राम तिगरा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, तत्पश्चात बाल पुष्टाहार के अंतर्गत दिव्यांश की माता श्रीमती सुमन दिव्यांश, नेक्स्ट अमृता मदर शोभा बाल पुष्टाहार में बच्चों के प्रति अपना स्नेह वितरित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय अमृता जी, इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सहायक विभाग माता शोभा जी के साथ, तत्पश्चात प्रधानमंत्री वाइफ ऑफ श्री बुधिराम प्रधानमंत्री आवास योजना से ही अवगत है, माननीय योजना से आच्छादित होने वाले श्री प्रभुलाल जी मोहन नेक्स्ट की एवं चंदा जी साथ में आप दोनों से अनुरोध है कि एक साथ इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करें। वेंद्र जी अपने कृषि यंत्र की चाबी को प्राप्त करते हुए ग्राम फुलबरिया से श्री सत्यराम जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने यंत्र हेतु प्राप्त करते हुए बुजुर्ग से श्री दयाराम यादव जी किसान सानी ग्राम रायपुर से माननीय विधायक कैंपियरगंज एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से कन्या सुमंगला योजना से सम्मानित भुईदरपुर से कन्या सुमंगला योजना का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पात्र अभ्यर्थियों ने संध्या जी कैंपियरगंज सुमंगला टू से शौचालय के पात्र जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, लोकप्रिय विधायक शेखर दिवाकर सिंह जी, अध्यक्ष मत्स्य बोर्ड श्री रमाकांत निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख भरोया श्रीमती सुनीता सिंह जी, सदस्य पूर्वांचल बोर्ड श्री विजय शंकर यादव जी,
भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री शेषमणि त्रिपाठी जी, सदानंद शर्मा जी, मोक्षदन मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी, मृत्युंजय सिंह जी, मुकुट मिश्रा जी, कानीपाड़ी के मोहन जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस नव सृजित विकास खंड भरोइया से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा पिक्टेश्वर नाथ मंदिर के इस प्रांगण में देवादिदेव महादेव की असीम कृपा से आज गरीब कल्याण मेला पंतोदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती पर आयोजित है। सत्रह सितंबर से 6 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक विशिष्ट अभियान दिया है। इस अभियान का नाम दिया है सेवा समर्पण। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा होगा और 7 अक्टूबर की उस तिथि को स्मरणीय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिवसीय सेवा समर्पण का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है और उसी क्रम में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष में उत्तर प्रदेश के आज सभी 836 विकास खंडों पर गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया है। मैं भी आया, मैंने यहाँ पे बाबा पिक्टेश्वरनाथ जी के दर्शन किए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की, बच्चों का अन्नप्राशन कराया और मैं देख के ताज्जुब कर रहा हूँ। अन्य जगह हम जाते हैं तो मास्क पहनकर के बच्चे थोड़ा डरते हैं, लेकिन यहाँ के दोनों बच्चे मैं देख रहा था हंस रहे थे मुझे देख करके, सभी बच्चे हंस रहे थे। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि दोनों बच्चों को मेरे हाथ से अन्नप्राशन बाबा पिक्टेश्वरनाथ मंदिर के इस प्रांगण में करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यहां पर अन्नप्राशन के साथ ही अन्य तमाम प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ जिनके जीवन में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से परिवर्तन हुआ है, उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हुआ है, उन लोगों को यहाँ पर मंच पर सम्मानित किया गया। शेष को बाद में यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, ब्लॉक प्रमुख जी और अन्य हमारे मत्स्य बोर्ड के चेयरमैन, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य, सभी लोग उन्हें बाद में सम्मानित करेंगे। मैं केवल देखने के लिए आया था कि आप लोग आज के इस मेले में किस प्रकार से सहभागी बनेंगे। मैं मंच पे जैसे आया था तो एक लाभार्थी को यहाँ पर पोषाहार योजना के माध्यम से इसका लाभ मिलना था, महिला और बाल विकास विभाग की ओर से। वो मंच पर आई, उसने कहा कि मेरे पति को कैंसर की शिकायत है, उपचार कराना है।
परिवार में अगर कोई बीमार होगा तो उसके सामने एक आर्थिक संकट आता है और व्यक्ति सुविधा संपन्न नहीं होगा। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की घोषणा की थी। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना घोषित की थी, जिसमें प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के गोल्डन कार्ड बनाना और वे लोग जाकर के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या देश के किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में ले सकते हैं। और मैं प्रशासन से कहूंगा, मैंने यहाँ गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी को महिला का यहाँ परिचय कराया और मैं कहूंगा इस महिला को मिलकर के आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा ले, और अगर आयुष्मान भारत के कार्ड में अगर अभी उसका नाम नहीं तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी हम कवर कर रहे हैं, उसमें उसको सहायता करें। उसमें भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तत्काल उसका एस्टिमेट बनवा करके मुख्यमंत्री राहत कोष में भिजवा दें, जिससे कोई भी जरूरतमंद उपचार के अभाव में उसके सामने कोई संकट ना निपाए। इसके लिए हम लोग भरपूर मदद उस परिवार को करेंगे। हर एक पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार भी। मैं भी देख रहा था गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अकेले गोरखपुर के अंदर अब तक 29,460 बालिकाओं को इस योजना के साथ जोड़ा गया है, जिसमें बालिका के जन्म लेने के साथ और बालिका के स्नातक तक की शिक्षा के लिए 15,000 रुपए की राशि सरकार देती है। अलग अलग चरणों में पैसा जाता है और गोरखपुर में 29,460 बालिकाएं अब तक इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। आज भी मुझे 2 बालिकाओं को मंच पर इस योजना के साथ जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अगर मैं भरोया विकास खंड के अंदर कहूंगा तो यहाँ पे 1,061 बालिकाओं को अब तक इस योजना का लाभ मिला। निराश्रित महिला पेंशन अगर हम गोरखपुर के अंदर देखेंगे तो वर्तमान में 68,341 निराश्रित महिलाओं को इस पेंशन का लाभ मिला है। और इसके साथ भरुणिया विकास खंड में 1,661 लाभार्थियों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि जितनी भी निराश्रित महिलाएं हैं उन्हें निराश्रित महिला पेंशन के साथ इस प्रकार के कैंप के माध्यम से फॉर्म भरवा करके उससे जोड़ने की कार्रवाई को तत्काल आगे बढ़ा दें, जिससे कोई भी महिला अपने आप को असहाय महसूस न कर सके। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से भी आज यहां पर मेला लगाया गया है, जिसमें अकेले गोरखपुर जनपद में अब तक 26,526 लाभार्थियों को इसमें लाभान्वित किया गया है दिव्यांग पेंशन योजना में। और भरुणिया विकास खंड में 606 लाभार्थी दिव्यांग पेंशन से लाभान्वित हैं और साथ साथ इन दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के साथ भी जोड़ा जाता है। उज्ज्वला योजना में ये गोरखपुर से इस योजना को हम लोगों ने पहले चरण में कैंप लगा करके प्रारंभ किया था और बाद में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी तो प्रधानमंत्री जी के करकमलों से बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से ये योजना प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 2,44,519 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन मिले और उसमें से 19,000 लाभार्थी अब तक उज्ज्वला योजना द्वितीय के उसमें भी चयनित हो चुके हैं। यानी गरीब के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा रहा है यहां पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही पोषाहार योजना के माध्यम से
4172 आंगनबाड़ी केंद्रों से 6 माह से 3 वर्ष के 1,33,926 और 3 वर्ष से 6 वर्ष के 74,636 बच्चों को और गर्भवती और धात्री महिलाओं को 54,417 को पोषाहार वितरण किया जा रहा है। ये नियमित रूप से जनपद के अंदर योजना का लाभ दिया जा रहा है और घरोइया में 6 माह से 3 वर्ष के 4,278 बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के 2,208 बच्चे और 1,656 गर्भवती और धात्री महिलाओं को पुष्टाहार वितरण की कार्रवाई अकेले घरोइया विधानसभा के घरोइया ब्लॉक के अंदर किया जा रहा है। सामूहिक विवाह योजना में जिले में अब तक 225 जोड़ों का विवाह हुआ है और इसमें से 231 जोड़ों का यानी इसमें से 231 जोड़ों का विवाह विकासखंड मुख्यालयों पर अब तक संपन्न हो चुका है। वृद्धावस्था पेंशन में 1,49,140 लाभार्थियों को और घरोइया में 4,201 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन में भी हर पात्रता की श्रेणी के हर वृद्धजन को हर दिव्यांगजन को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। ये मेले के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि उनको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को प्राप्त हो इसके लिए और जो लोग उससे वंचित हैं उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जनपद में 33,65,153 लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं और इस पूरे जनपद में बनाए जा चुके हैं जिन्हें हर वर्ष इसका रिन्यूअल कराना होगा। 5,00,000 रुपए की निशुल्क उपचार की सुविधा किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाकर के वे लोग ले सकते हैं। किसान सम्मान निधि में 5,19,129 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 14,442 समूह का गठन किया जा चुका है और भरोया विकास खंड में भी 451 समूह का गठन हो चुका है जिसमें से 250 को रिवॉल्विंग फंड, CIF 180 और CCL 40 का लक्ष्य इसको पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत 37,451 आवास अब तक गोरखपुर में जनपद में निर्मित किए जा चुके हैं। विकासखंड भरोया में 751 आवास अब तक निर्मित किए जा चुके हैं और नए लाभार्थियों में 9,228 का चयन हो चुका है जिनके लिए स्वीकृति पत्र जारी हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 61 आवास वर्तमान में उपलब्ध कराए गए हैं। व्यक्तिगत शौचालय में गोरखपुर में 2,24,258 के सापेक्ष 6,790 विकासखंड भरोया में 956 के सापेक्ष 351 यानी 21-22 में इतने शौचालय निर्मित किए जा चुके हैं। यानी आपने देखा होगा अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को इनके लिए शासन की योजना देने के लिए सरकार कैसे प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। किसी भी सरकार की कार्य करने की कसौटी की पहचान होती है संकट के समय। पूरी दुनिया वर्तमान में कोरोना संकट से जूझ रही है।
सबसे अच्छा था। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश उस कोरोना प्रबंधन में सबसे अच्छी भूमिका के साथ आया। और आपने देखा होगा कोरोना के दोनों चरणों में और गरीब को फ्री में राशन देने की व्यवस्था का इंतजाम किया गया। पहले चरण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक और दूसरे चरण में मई 2021 से नवंबर 2021 तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। और यह कोई संवेदनशील लोक कल्याण के लिए समर्पित सरकार ही कर सकती है। और आज जब इस गरीब कल्याण मेले में हम सब उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और प्रशासन से भी, ये गरीब कल्याण मेला सायंकाल तक चले। जिन योजनाओं का मैंने अभी यहां उल्लेख किया है, कन्या सुमंगला योजना हो, सामूहिक विवाह की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालय की योजना हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित करके हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके, इसके बारे में हमें इस प्रकार के मेले आयोजित करने चाहिए। और साथ साथ आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर एक गरीब के पास, जिसके पास 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं, उसे स्वास्थ्य बीमा के कवर से लाभान्वित करने की कार्रवाई हमें करनी चाहिए, जिससे कोई गरीब उपचार के भाव में दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर न हो। मुझे प्रसन्नता है कि आज भरोइया में बाबा पिथलेश्वर नाथ धाम में गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ के इस प्रांगण में यह भव्य मेला लग रहा है। भरोइया विकास खंड के आप सभी नागरिक इस योजना का लाभ लेंगे, इस विश्वास के साथ मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस महान और विराट व्यक्तित्व से जिन्होंने अंत्योदय की प्रेरणा समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए दी थी, उससे हम प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 अक्टूबर को सार्वजनिक जीवन के 20 वर्ष हो रहे हैं, इस अवसर पर उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज की इस पावन जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस विकास उत्सव के उपलक्ष्य में मंत्री श्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, रमाकांत निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख भैया श्रीमती सुनीता सिंह जी, विजय शंकर यादव जी, शेषमणि त्रिपाठी जी, पालीवाड़ी वाले महन जी और मंच पर आसीन समस्त अतिथिगणों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ।
रही हूँ कि वो अपना कीमती समय लेकर हमारे बीच में पधारे हो गए हैं। वह यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु मीडिया बंधु, जैसे कि आज गरीब कल्याण योजना के बारे में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पूजनीय श्री आदित्यनाथ जी महाराज जी से हमें सभी योजनाओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, उन सब के लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि वो सभी योजनाओं का आप सभी लोग सही सलामत क्रियान्वयन करें। और हम सब का कर्तव्य भी बनता है कि हम सब मिल के उन योजनाओं को गरीब जनता तक पहुँचाने का कार्य करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा व माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं यहाँ चलाई जा रही हैं, जिनसे गरीब जनता खुशहाल महसूस कर रही है। मैं यहाँ पर आए हुए एक बार सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आभार में चंद पंक्तियों के साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये संबंध पावन हो गया। धन्यवाद। से अनुरोध है कि आप सभी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। लंच पैकेट मिलने के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आज गरीब कल्याण मेला के अवसर पर चाहे जितना